हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ कैपेसिटर्स प्रॉब्लम सीरीज। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की थी, लेक्चर 2 में एस सी वर्मा से ऑब्जेक्टिव, लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था सॉल्व करना एस सी वर्मा का। ये लेक्चर 6 है, कंटिन्यू करते हैं। 7th या 8th लेक्चर तक प्रॉब्ली हमारा पूरा एस सी वर्मा का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद और अलग से क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल्स से करेंगे। ठीक है, चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया, तो आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये डी दिया है, एंड बैटरी इस बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज द सेपरेशन टू 2 मिलीमीटर, तो ये पहला सेपरेशन है, ये आपका दूसरा सेपरेशन है। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब जब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को आप 1 से 2 कर दिए तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। ठीक है, याद रखना बैटरी हमेशा कनेक्टेड है। हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो फर्स्ट केस में अगर चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इतना है, सेकेंड केस में अगर चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इतना है। अब देखो सब जगह मैंने 1 1 2 2 यूज़ किया, लेकिन वी में यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बैटरी तो हमेशा कनेक्टेड है, तो अगर बैटरी हमेशा कनेक्टेड है मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वी रहने वाला है। ठीक है, सेपरेशन चेंज करने से कैपेसिटेंस में फ़र्क आया होगा, है ना, इसलिए सी वन सी टू यूज़ किए। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो हमें क्यू वन और क्यू टू का डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो यानी सी वन और सी टू का डिफरेंस इंटू वी, तो कैपेसिटेंस का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस डिफरेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये होता है ना। तो पहले केस का सेपरेशन है डी वन, और दूसरे केस का सेपरेशन आप देखोगे तो ट्वाइस ऑफ डी वन है। ठीक है, तो डी वन टू डी वन है ना, क्योंकि डी टू टू डी वन है इंटू वी। बस अब वैल्यूज के लिए पुट करना है एप्सिलॉन नॉट ए और डी, तो ये सबका वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए टू डी वन इंटू वी। तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया। आप कैलकुलेशन के थ्रू स्किप कर सकते हो या फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, 12 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। पहले प्लेट के बीच में पहले केस में डिस्टेंस कितना है, d1 कितना है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3। ठीक है, अब इस पूरे को कैलकुलेट करें अगर, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करूँगा, आप एग्जैक्टली करना। तो 10 की पावर को पहले देखें तो 12 और 4 16 16 में से 3 गया 13, तो 10 की पावर माइनस 3 बचा है, फिर 2 यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 की पावर माइनस 2 हो गया, ये 10 को बैठा दो 12 इंटू 8.85, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 9 ले लूँ तो 12 नमा 108, और 107 मान लेते हैं इंटू 10 की पावर -2 मतलब 1.07 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये आपका चार्ज आ गया है ना। माइक्रो की यूज़ कर रहा हूँ मैं, एरिया मिलीमीटर नहीं, कूलम होना चाहिए, कहीं कुछ वैसा नहीं है। क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो आंसर मैच कर लेते हैं, 44th का आंसर बुक है यहाँ पर अपने पास, 44th का ए पार्ट में 1.06 इंटू 10 की पावर -10, तो 1 पॉइंट समथिंग तो आ रहा है, 10 की पावर -10, 10 की पावर में कहीं गलती हुई है, तो 12 4 16 16 में से -3 गया तो -13 था, सॉरी यहाँ पे -3 नहीं था -13 था, और इंटू 10 किया तो -12 हुआ। ठीक है, तो ये -12 10 की पावर -12 था यहाँ पे, और 1.07, तो इसको ऐसा करेंगे तो ये 10 की पावर -10 होगा तब भी। ठीक है, 10 का पावर में प्रॉब्लम हो रहा है, चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ बुक में आंसर सही है, बुक में भी गलत हो सकता है, और इसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते। पार्ट बी में, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो बैटरी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जैसे पहले चार्ज था कैपेसिटर में Q1, बाद में हो गया Q2। ठीक है, अगर आप बाद वाला कैपेसिटेंस देखोगे तो वो कम है, पहले वाला कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो पहले ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा था कैपेसिटर, बाद में कम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, उससे हमें, मैं यहाँ पे एक रीज़न बता रहा था बैटरी क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। बैटरी एनर्जी इसलिए एब्जॉर्ब किया क्योंकि इस केस में बैटरी में चार्ज घुसा है ना। पहले जैसे कैपेसिटर में ज़्यादा चार्ज था, ऑल्दो वो चार्ज बैटरी से ही आया था,
लेकिन सपोज पहले था चार्ज -20 और फिर कैपेसिटर का डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम कर दिए हम लोग, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर कर दिए, सॉरी बढ़ा दिए, तो कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया, घट गया। और कैपेसिटेंस अगर घट जाएगा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी घट जाएगा, ठीक है, सेम बैटरी लगा हुआ है ना, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी घट जाएगा। तो उससे क्या होगा, अब यहाँ से कुछ चार्ज 20 नहीं रह पाएगा यहाँ पे, ठीक है, 20 से कम हो गया, सपोज 18 हो गया, तो ये दो 20 से जो 18 हुआ है तो रिमेनिंग 2 कहाँ चला गया होगा, बैटरी में चला गया होगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं बैटरी क्या है, चार्ज एब्जॉर्ब किया है, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस चेंज किया कैपेसिटर के बीच का, डिस्टेंस को बढ़ाया, बैटरी ने चार्ज एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी, जैसे एनर्जी या वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इंटू EMF, ठीक है। वैसे एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी सिमिलर तरीके से होता है, चार्ज एंट्रिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इंटू EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है। और चार्ज एंटरिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी क्या होगा, जो ही पार्ट ए का जो आंसर था, जो ही पार्ट ए का आंसर है ना, जो कि इतना इंटू 10 के पावर -10 है कि -9 है, आंसर कितना चेक किया था हमने, 10 के पावर -10 है तो सही तो था आंसर, ठीक है। हाँ तो मुझे लगा 10 के पावर -9 है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो ए का वैल्यू इतना पुट कर दो, वो चेक कर लेना 1.06 है ना, तो मैं अप्रोक्सीमेट किया था, इंटू EMF, सॉरी 10 के पावर -10 इंटू EMF ऑफ द बैटरी कितना था, 12 वोल्ट। इन सबको कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बी पार्ट था। सी पार्ट में कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, ठीक है। तो शुरू में कितना एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी था, बाद में कितना था, है ना, यही पूछा गया आपसे, ठीक है। एक काम करते हैं, शुरू वाला एनर्जी निकालते हैं, शुरू में एनर्जी जो होगा सिंपली हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं, या क्यू स्क्वायर बाय 2C, या हाफ क्यू इंटू वी, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज करते हैं, तो हाफ सी, सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी स्क्वायर, सबका वैल्यू आपको पता है, हाफ को हाफ रहने दो, एप्सिलॉन नॉट है 8.85 10 की पावर -12, सबको ऐसा यूनिट्स में लिखना है, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट कितना था, ऊपर देखो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना था शुरू में, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब 10 के पावर -3, ठीक है। और इंटू वोल्ट, बैटरी का वोल्ट कितना था, इतना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, ये तो U1 था, वैसे सिमिलरली U2 कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। एक काम करते हैं ना, ये तो U1 में तो C1 C1 आएगा हर जगह, है ना, U2 में C2 C2 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, U1 और U2 का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर रेशियो लेंगे तो हाफ वी स्क्वायर तो कट जाएगा, C1 बाय C2, और सी में सी डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही एप्सिलॉन नॉट a/d लिखो, तो अल्टीमेटली ये d2 बाय d1 आ रहा है, ठीक है। कितना है ये, d2 बाय d1। अब d2 कितना था, बाद में डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, और इनिशियली कितना था, 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा, 2 और 1 था ना, ठीक है, तो 2 और 1 है ना। तो हम लोग देख सकते हैं U1 इज ट्वाइस ऑफ U2, ठीक है। इससे एक और तरीका भी कर सकते थे, सपोज खाली आप यही आप निकालते, तो U1 आपको पता चल गया ट्वाइस ऑफ U2 है ना। आपको ये पता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो छोड़ो उस मेथड को भी छोड़ो, क्योंकि एक बार में एक ही मेथड देखते हैं हम लोग, बेमतलब का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो U1 इक्वल टू 2U2 है, तो आपको U1 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से U2 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इस लाइन को इग्नोर करो, इस लाइन को इग्नोर करो, ठीक है। U2 का वैल्यू U1 बाय 2 कर लेना है ना। ये था सी पार्ट, डी पार्ट भी है क्या, ई पार्ट भी। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपके पास जो प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट्स था, ठीक है ना, तो प्लेट्स तो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, और इनका सेपरेशन को इनिशियली 1 मिलीमीटर था सेपरेशन, और बाद में सेपरेशन कितना हो गया, 2 मिलीमीटर हो गया है ना। तो हम लोग देख सकते हैं सेपरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, तो जो भी पर्सन को खींच रहा होगा तो वर्क क्या होगा,
ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव तो उनका नेचुरल टेंडेंसी है अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ जाना, आप उनको दूर कर रहे हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना मेहनत करना होगा वो देखते हैं ना। अब वो निकालने के लिए कितना वर्क किया वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट को अपने तरफ खींचता है विच ए फोर्स, और फोर्स का एक्सप्रेशन आपको याद होगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन, ये हम लोग थ्योरी में पढ़े थे है ना। एक प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर दूसरे को कितने से खींचता है, इतने से खींचता है। ठीक है, अब अगर इनके जब इनको इससे इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन या कॉन्फ़िगरेशन तक ले जा रहा था वो आदमी, तब अगर क्यू कांस्टेंट होता तब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता, सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यू तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेट्स के बीच का सेपरेशन चेंज होते रहेगा कैपेसिटेंस चेंज होते रहेगा, जैसे जैसे कैपेसिटेंस चेंज होते रहेगा क्या होगा, चार्ज फ्लो होते जाएगा, क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड है ना, इस पूरे दौरान बैटरी हमेशा कनेक्टेड था, 12 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो अगर बैटरी हमेशा कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो वोल्टेज तो हमेशा मिल ही रहा है, मतलब या जो भी है चार्ज सप्लाई तो चार्ज को पाथ तो मिल ही रहा है सर्किट में है ना, तो चार्ज तो फ्लो होते रहेगा, चार्ज फ्लो होते रहेगा तो क्यू चेंज होते रहेगा, और क्यू चेंज होते रहेगा तो फोर्स भी चेंज होते रहेगा, तो मतलब फोर्स वेरिएबल है अल्टीमेटली, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक प्लेट को स्टेशनरी मान लो, मान लो दूसरे प्लेट को आप शिफ्ट करो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन हमेशा सेम आता है, चाहे इनिशियल से फाइनल किसी भी तरीके से गया है। ठीक है, तो आप एक प्लेट को फिक्स मान लो, इसको फिक्स मान लो एक प्लेट को, और ये दूसरा प्लेट, ठीक है ना, मान लो इनके बीच का सेपरेशन कितने किसी भी मोमेंट में एक्स है। ठीक है, तो ये प्लेट को, ये सेकेंड प्लेट को फर्स्ट प्लेट अपने तरफ खींच रहा होगा अट्रैक्टिव फोर्स से, और उतना ही फोर्स उस आदमी को लगाना पड़ रहा होगा है ना, इसको ओवरकम करने के लिए अट्रैक्शन। ठीक है ना, उतना ही फोर्स इसको लगाना पड़ रहा होगा आदमी को है ना, तो आदमी जो फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स बाय मैन वो होगा, अगर प्लेट्स को स्लोली सेपरेट करेगा तो क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन। ठीक है, अब क्यू जो होगा एक्स पे डिपेंड करेगा, कैसे, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, और सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी लिखेंगे, और सी वी का स्क्वायर हो जाएगा, और सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो सी वी, तो पहले मैं वी लिखता हूँ, सी को लास्ट में लिखूंगा, और सी मतलब कैपेसिटेंस, क्यू इज इक्वल टू सी वी है। ठीक है, और सी का स्क्वायर लिखेंगे मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी का स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर है। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो ए से ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट गया, तो ये कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर। ठीक है, अभी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, एक्स है, तो यहाँ मैं डी नहीं लिखूंगा, मैं एक्स लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपका फोर्स का एक्सप्रेशन कितना आ गया, फोर्स बाय मैन जब सेपरेशन एक्स है बिटवीन द प्लेट्स हो गया, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वे पोटेंशियल लिखा बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय इतना। ठीक है, तो वर्क डन बाय, स्मॉल वर्क डन बाय मैन तो हो जाएगा FdX, और टोटल वर्क डन बाय मैन आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू d1 से लेकर d2 तक वेरी करेगा है ना, तो जो जो कांस्टेंट उनको बाहर कर देते हैं, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, और d1 कितना है, 1 मिलीमीटर, ठीक है, और d2 कितना है, 2 मिलीमीटर, यही ना क्वेश्चन था, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 बाय 1, -1 बाय एक्स, तो 1 बाय 10 की पावर -3, -1 बाय 2 की, तो मैंने इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट किया तो ये आया। ठीक है, आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लेना, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कर देना है ना, अब इसको कैलकुलेट करें या पहले और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -3, तो ये ले लो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब ये हो जाएगा 4, 1 माइनस हाफ हाफ, 2 और 2 4, 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन, वर्क डन कितना कि एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाय इतना। ठीक है, वैल्यूज पुट कैलकुलेट मतलब वैल्यूज पुट कर लेते हैं वेरिएबल्स का, एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एरिया ऑफ द प्लेट कितना था, एरिया ऑफ द प्लेट था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10 की पावर -4 इंटू v स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, 12, जितना बैटरी कनेक्टेड है, 4 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं,
पहले 10 की पावर को देख लेते हैं, ये तो होगा 4 पंचे 20, काट दो इसको, और 12 4 16, 16 में से 3 दिया 13, तो 8.85 इंटू 144, ठीक है, 8.85 इंटू 144, इंटू 5 भी है ना, इंटू 5, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 8.85 इंटू 144 इंटू 5, 8.85 इंटू 144, 122 क्यों किया, इंटू 5, तो 6372 आया है, 6372 इंटू 10 के पावर माइनस 3, 13 जूल, ठीक है, तो इसको 6.37 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल, ये हो गया वर्क डन बाय मैन। कौन सा पार्ट है ये, डी पार्ट है, ठीक है, 44 का डी का आंसर कितना आया अपना, 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 44 का डी आपको दिख रहा होगा, 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, और फिर लास्ट में आपको बोला है इसका एक और पार्ट है बचा हुआ, बड़े बड़े क्वेश्चन से टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ रहा है हर चीज़, चाहे कितना भी टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज एज द सेपरेशन इज इंक्रीज, तो नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको ई पार्ट को करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आपको ये तो पता चल गया, बाकी सब पार्ट हम लोग किए ना, कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी यूजिंग द एक्सप्रेशन, कैलकुलेट द एनर्जी फ्लोन यूजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना दो लोग हीट लूज कर रहे हैं, है ना, मतलब सॉरी दो लोग एनर्जी लूज कर रहे हैं, एक तो मैन वो वर्क कर थक रहा होगा जो भी है, और एक होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और ये दोनों डिक्रीज वाला टर्म्स है, हमें पता है पूरा दुनिया का एनर्जी कॉन्स्टेंट है, करीब फॉर्म चलता है ना, तो ये दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज कहाँ पे होगा, केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी, ठीक है, इसको सिंपली एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी बोला गया है ना, तो अगर ये सब इक्वल हो गया, जो लॉस हुआ है जहाँ डिक्रीज हुआ वो एग्जैक्टली एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी के बराबर हो गया, तो इसमें तो हीट एनर्जी का वाला एक्सप्रेशन या फॉर्म हम लोग लिखे ही हैं, तो आप ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, और इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया है, यानी देर इज मोर हीट लॉस, ठीक है, या इसको प्लस हीट कर दो, तो सबका वैल्यू आप पुट करो, इसका पुट करो, इसका पुट करो, इसका पुट करो, हीट का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन आप वैल्यू पुट करोगे अल्टीमेटली यही दोनों सब हम इसके बराबर आ जाएगा, तो हीट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, समझ में आई बात, ये था क्वेश्चन नंबर 44, चेक भी कर लो ना, लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको आंसर से दिखाता हूँ, वर्क डन बाय मैन तो आपका आया, देखो मैं आंसर दिखाता हूँ यहाँ पे, वर्क डन मतलब डी पार्ट का आंसर, 6.35 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 6.35 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्वेश्चन था ना एक बी पार्ट में से क्या पूछा था, हाउ मच एनर्जी इज अब्सॉर्ब, वो तो अलग है, सी पार्ट में एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो सी पार्ट का आंसर अगर हम लोग देखें यहाँ पे 44 का सी पार्ट, बिफोर कितना था 12.7, आफ्टर कितना था 6.35, तो बिफोर है 12.7, आफ्टर है 6.35, तो लॉस हो जाएगा 12.7 माइनस 6.35 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू एनर्जी अब्जॉर्ब बैटरी भी हम लोग निकाले थे, वो बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर कितना है 12.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 12.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस हीट, ठीक है, तो इन सब का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो हीट कितना मिल जाएगा, जीरो, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 44, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ये इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में देखें अगर, तो आपको बोला गया कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट, द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर कनेक्टेड टू अनदर बैटरी, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जो जो पढ़ रहे हैं उसको करते जा रहे हैं ना, तो बैटरी 24 का वोल्ट का बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, तो आपके पास कैपेसिटर में क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, यानी 2400 का चार्ज है, ठीक है, आफ्टर बैटरी डिस्कनेक्ट करने का, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, अब चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी ऑफ एमएस 12 वोल्ट विद पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, तो इसको फिर से एक नए बैटरी से कनेक्ट किया गया,
और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया है ना, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया, क्योंकि जब बोला गया बैटरी से कनेक्ट किया मतलब दोनों टर्मिनल कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव पॉजिटिव से हो गया मतलब नेगेटिव नेगेटिव से होना पड़ेगा ना। फाइंड द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द रीकनेक्शन। तो बिफोर द रीकनेक्शन तो हमें पता है रीकनेक्शन से पहले इतना चार्ज है 2400 है ना, 45 का आंसर चेक कर लेते हैं, 45 का 2400 ठीक है। और आफ्टर रीकनेक्शन, तो रीकनेक्शन के बाद बैटरी रीकनेक्टिंग बैटरी कितना है 12 वोल्ट का, ठीक है। ये तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, अभी चार्जेस वगैरह फ्लो होंगे है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे फाइनल चार्ज निकालोगे क्यूज इक्वल टू सी वी करके, तो बैटरी कितने वोल्ट का है, बैटरी तो 12 वोल्ट का है, तो वी इतना है और इसका कैपेसिटेंस कितने का था 100 था, तो क्यूज इक्वल टू सी वी करोगे तो ये 1200, यहाँ पे -1200 ठीक है ना। क्योंकि पहले हम लोग ज़्यादा पावरफुल बैटरी से लगाए थे तो ज़्यादा चार्ज स्टोर था, लेकिन फिर लेस पावरफुल बैटरी कर दिए तो लेस चार्ज हो गया, ठीक है। या इसको सिंपली ऐसे सोचो ये पहले 24 वोल्ट था है ना, 24 वोल्ट था तो यहाँ पे 24 था और अभी 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 12, ठीक है, ऐसे समझना है ना। बीच के एक्स्टेप में ड्रॉ नहीं क्यों, अभी जरूरत पड़े तो ड्रॉ करूँगा। फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी। अब 12 वोल्ट बैटरी में कितना चार्ज, याद रखना इसके बाद क्या स्टेप था, इसके बाद स्टेप था यही 12 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया था उसी कैपेसिटर से, ठीक है, जिसमें इसमें +24 है और इसमें -24 है। लेकिन हमें पता है कि 12 वोल्ट का बैटरी से कितना चार्ज हो सकता है कैपेसिटर में, 1200 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है तो क्या होगा, कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा बैटरी में, इनटू द बैटरी फ्लो होगा। कितना फ्लो हो जाएगा, 2400 से 1200 में घटने में कितना चार्ज फ्लो होगा, 1200। तो फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी हो जाएगा 1200 माइक्रोकूल, ठीक है। इज द वर्क डन बाय द बैटरी और इज द वर्क डन, अब देखो बैटरी वर्क डन कब करता है, जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलता है। यहाँ पे तो पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज घुस रहा है ना, अब देखो ना यहाँ पे बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज घुसा है, ठीक है। या पूरा को ड्रॉ नहीं करे, अगर खाली बैटरी वाला पार्ट को ड्रॉ करे तो ये 12 वोल्ट का जो बैटरी है इसमें चार्ज घुसा है कितना, 1200 माइक्रोकूलम। तो चार्ज अगर पॉजिटिव घुस रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में ऑफ द बैटरी में, तो वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ, ठीक है। तो वर्क डन बाय हुआ है या बैटरी पे वर्क डन हुआ है, बैटरी पे वर्क डन हुआ है, ठीक है। लास्ट पार्ट उसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना वर्क हुआ है। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इंटू EMF, EMF बैटरी का 12 है तो इतना माइक्रो मतलब 2 2 4 1 5 6 0.144 नहीं 2 2 4 1 5 0.014 मैं इसको मिटा ही दो, इतना देर में तो मिटा के लिख लेंगे 0.0144 माइक्रो जूल, ठीक है। मिली में लिखेंगे तो 14.4 हो जाएगा। तो फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, ऑफकोर्स आपका कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज हुआ है तो उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो कितना एनर्जी डिक्रीज हुआ यही पूछा है ना। तो डी पार्ट निकालने के लिए आप पहले इनिशियल एनर्जी निकालो कैपेसिटर का, फाइनल एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, याद रखना बैटरी का एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहता है ना, वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, ठीक है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डेल्टा यू है ना, लॉस है ना। और लॉस क्या होता है, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय 2c, इनिशियल चार्ज कितना था 2400 माइक्रोकूलम, याद है ना, क्यू स्क्वायर बाय 2c, और c कितना था, c था आपका 100 माइक्रो, ठीक है। और फाइनल चार्ज कितना है कैपेसिटर में, 1200। बैटरी का पोटेंशियल हाफ कर दिया हम लोग, ईएमएफ हाफ कर दिया तो हाफ चार्ज ही स्टोर रहेगा, ठीक है। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये था डी पार्ट, ठीक है। ई पार्ट, फाइंड द हीट डेवलप ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज आफ्टर रीकनेक्शन, ठीक है। तो अगर लॉस का वैल्यू हम लोग निकाल लेते, क्योंकि ई पार्ट में जरूरत पड़ेगी, तो लॉस का वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ 1200 म्यू तो कॉमन है, तो यहाँ 2 स्क्वायर या 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 200 म्यू भी कॉमन है,
इसको मैं कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 1200 कॉमन ले लिया तो 2 स्क्वायर, 4 और 3 बचेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 200 म्यू इंटू 1200 स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर, तो म्यू से म्यू गया, ठीक है। और 1200 को 2 बार लिख देते हैं क्योंकि 1200 का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देते हैं, 2 6 12, तो 6 3 18, 18 × 1200 म्यू, ठीक है, तो 18 0 0, 18 2 36, 6 18 3 21, कितना माइक्रो जूल है ना। तो हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इतना 21600 जूल, ठीक है। हाँ, अब ई पार्ट में फाइंड द हीट डेवलप्ड, ठीक है, अब लॉस इतने का आया है और बैटरी पे वर्क डन कितना हुआ था, 144 इतना का, ठीक है, तो हीट जो रिमेनिंग हो जाएगा हीट हो जाएगा, है ना। याद रखना, हीट प्लस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ बैटरी या वर्क डन ऑन बैटरी, यहाँ पे बैटरी एनर्जी रिसीव कर रहा, एनर्जी लूज कौन कर रहा, कैपेसिटर, ठीक है, तो एनर्जी लूज कर रहा कैपेसिटर, वो दो फॉर्म में जा सकता है, एक तो हीट में जा सकता है और एक वर्क डन ऑन बैटरी। तो वर्क डन ऑन बैटरी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, 144 00 आया था माइक्रो जूल, और लॉस का वैल्यू हम लोग निकाले तो 21600 माइक्रो जूल आया था, यानी हीट आपको यहाँ से मिल जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो 21600 में से सब्ट्रैक्ट करो 14400, ठीक है, तो 0 0 तो लैग कर रहा है थोड़ा, 6 में से 4 ही है, 2 21 7 4 21, 7200 माइक्रो। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व था। ई पार्ट 45 का ई, 45 का ई कितना है, 7.2 मिली जूल है ना, तो ये 7.2 मिली जूल, ठीक है, माइक्रो को मिली में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3, ठीक है, तो जाएगा 7.2 मिली जूल। चलो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कंसीडर सिचुएशन शोन इन द फिगर, द स्विच एस इज ओपन, स्विच एस इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज्ड, ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे दो कैपेसिटर है सी सी, मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सी है, यहाँ पे स्विच है मतलब अभी सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा जो ओपन पार्ट होगा, ठीक है, या उससे कोई चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है, तो द स्विच एस इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो दिस इज ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब चार्जिंग जितना भी होना था कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब ये ओपन है तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर ही सकते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पार्ट को हटा ही दो ना, ओपन है तो ड्रॉ क्यों करना है, दिस इज नथिंग बट 2C, सॉरी C/2 सीरीज में है ना, ठीक है, शुरू में ऐसा है, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, तो स्विच को क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो होगा, ऐसे क्वेश्चन में स्विच को क्लोज करने से पहले वाला सिचुएशन, तो बिफोर क्लोजिंग और आफ्टर क्लोजिंग वाला सिचुएशन में देखते हैं कितना चार्ज होगा, ठीक है, तो बिफोर क्लोजिंग कितना चार्ज होगा, ये बैटरी जो इसका MFE है, तो चार्ज सप्लाई बाय बैटरी कितना होगा, EC/2 EMF × कैपेसिटेंस, ठीक है, तो इनिशियल चार्ज यहाँ पे इतना है, यहाँ प्लस क्यू आई, यहाँ माइनस क्यू आई, ठीक है, ये इनिशियल चार्ज है ना, फाइनल चार्ज निकालते हैं, तो फाइनल अब देखो अगर फाइनल ऐसा केस है, ये सी है और ये तो कनेक्ट हो गया बैटरी से, ठीक है, और इस प्लेट का तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये चार्ज स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि इसका पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू इसका नेगेटिव प्लेट, इसका कोई रोल नहीं है, इस कैपेसिटर का चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसको रीड्रॉ करें तो ये सिंपली ऐसा ही है, बस एक कैपेसिटर ही है। हाँ, बाय द वे पिछले केस में क्यू आई चार्ज जो था दोनों में क्यू आई रहेगा, है ना, इसमें भी क्यू आई रहेगा, इसमें भी क्यू आई रहेगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज में जो कैपेसिटर होते हैं सब में सेम चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है, फाइनल चार्ज निकालते हैं, तो यहाँ से अभी भी EMF ही है, तो अभी कितना चार्ज इसमें स्टोर होगा, QF मान ले रहे हैं, ठीक है, तो QF का वैल्यू
नेगेटिव प्लेट पे भी होगा, लेकिन मैं खाली एक तरफ का दिखा रहा हूँ, ईसी। ठीक है, तो फाइनल स्टेट देखिए, तो यानी बिफोर और आफ्टर वाला केस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो बिफोर है क्यू आई माइनस क्यू आई, क्यू आई माइनस क्यू आई, आफ्टर ये बिफोर वाला केस है। ठीक है, आफ्टर वाला केस में तो इसमें जीरो हो जाएगा, है ना, सेकेंड वाले में, क्योंकि ये कनेक्ट हो गया ऐसे, थोड़ा लैग कर रहा है पेन लिखने के, थोड़ा देर बाद आ रहा है, तो थोड़ा आपको थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अभी चेक करता हूँ प्रॉब्लम क्या है। और ये क्यू एफ है, ये माइनस क्यू एफ है ना। ठीक है, हाँ, तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विचेस इज क्लोज। तो कितना चार्ज फ्लो किया है थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो वही आप पता कर लो कितना चार्ज फ्लो किया है। अल्टीमेटली आप पॉजिटिव टर्मिनल को अगर देखोगे तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल से बिफोर मेकिंग दिस चेंज कितना चार्ज निकल चुका था, इतना निकल चुका था, एंड आफ्टर मेकिंग दिस चेंज कितना चार्ज है, इतना है। तो जो डिफरेंस होगा वही फ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा, सिंपली क्यू एफ माइनस क्यू आई, है ना, हो जाएगा सिंपली क्यू एफ माइनस क्यू आई, ए पार्ट का आंसर। समझ में आई बात, क्योंकि इस प्लेट में चार्ज जो है वो उसे बैटरी प्रोवाइड कर सकता है, तो बिफोर क्लोजिंग दिस स्विच, इसको यहाँ से यहाँ फ्लिप करने से पहले हम लोग देख लिए इस प्लेट में कितना चार्ज है क्यू आई, एंड आफ्टर क्लोजिंग इस प्लेट में कितना चार्ज है क्यू एफ, तो जो भी डिफरेंस हुआ होगा यहीं से तो आया होगा। ठीक है, उसी को तो चार्ज सप्लाइड में बैटरी बोलते हैं। तो क्यू एफ और क्यू आई, क्यू एफ है ई सी और क्यू आई कितना था सी बाय टू, तो कितना जाएगा सी बाय टू ओवरऑल, है ना। तो ये 46 का ए पार्ट का आंसर सी बाय टू, 46 का ए सी बाय टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट में, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। ऑफकोर्स ये चेंज में कितना वर्क डन हुआ है वो पूछा है, तो हमें पता है वर्क डन में बैटरी जो होता है, वर्क डन बाय बैटरी जो होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, चार्ज सप्लाइड इंटू ई एम एफ, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितना है, इतना है, है ना। ऑफ कोर्स उस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जा रहा है किस, मतलब किस दौरान पूछा है वर्क डन, ये चेंज के दौरान कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, उस दौरान, है ना, तो चेंज के दौरान इतना वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्क्वायर बाय टू, मैच भी कर लिए हम लोग। सी पार्ट पे फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, इन कैपेसिटर्स, तो इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो अगर इनिशियल एनर्जी आप देखो कैसे भी निकाल सकते हो आपका मन, तो इनिशियल चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी निकाल सकते हैं या हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है मेरे को, इजी दिखेगा कैलकुलेशन, कि क्यू का एक्सप्रेशन में खुद इतना बड़ा चीज़ उसको स्क्वायर करेंगे तो अजीब है। तो हाफ सी वी स्क्वायर देखो, इनिशियल कितना है सी बाय टू, कैपेसिटेंस कितना है इनिशियल सी बाय टू, और बैटरी तो ई एम एफ ई का है, तो हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला से जल्दी आ जाएगा। तो इनिशियल है हाफ सी वी स्क्वायर, सी तो इनिशियल सी कितना है सी बाय टू, है ना, वो दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर इतना है, और फाइनल कितना है, फाइनल अगर आप निकालोगे तो फाइनल है हाफ, फाइनल सी कितना है सी तो है, फाइनल सी सिर्फ सी है। ठीक है, फाइनल अगर सी आप देखोगे तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं, फाइनल सी सिर्फ सी है। ठीक है, हाँ, तो फाइनल सी या ये वाला डायग्राम, फाइनल वाला डायग्राम है। ठीक है, ये फाइनल वाला डायग्राम है, तो हाफ सी ई स्क्वायर। तो यू आई यू एफ पता है, तो आपसे क्या पूछा है, चेंज इन, चेंज इन एनर्जी स्टोर, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हाफ और वन बाय फोर का डिफरेंस वन बाय फोर। ठीक है, सी पार्ट का आंसर वन बाय फोर सी स्क्वायर, सी पार्ट का आंसर वन बाय फोर सी स्क्वायर, हाँ, 46 का सी। डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में फाइंड द हीट डेवलप्ड। ठीक है, आपको पता है कि इतना का चेंज आया है, ये तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, बैटरी यहाँ पे याद रखना पॉजिटिव वर्क किया है, यानी बैटरी एनर्जी सप्लाई किया है, तो बैटरी एनर्जी सप्लाई किया है वो एनर्जी, या बैटरी यहाँ पे एनर्जी लूज किया है। ठीक है, वो एनर्जी किस किस फॉर्म में गया, एक तो हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ाने में, कैपेसिटर का पोटेंशियल ही बढ़ाया है बाय दिस मच। ठीक है, इसको इंक्रीज करने में जो गया है, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में गया है, और दूसरा किस में गया है, हीट में गया है, यही दो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो अवेलेबल है यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे देखो एनर्जी, देखो बैटरी में के केमिकल एनर्जी है और पोटेंशियल कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा हीट एनर्जी, यही तीन फॉर्म एनर्जी का। ठीक है, तो एक भी कहीं पे चेंज होगा तो बाकी दोनों में ही फर्क दिख सकता है। ठीक है, अब डेल्टा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 C² ठीक है। हीट हमें नहीं पता लेकिन वर्क डन बैटरी तो हमें पता है, जो बी पार्ट में निकाले थे देख सकते हो ऊपर में कितना आया था, 1/2 C² बी पार्ट कैंसर कितना था, 1/2 C², तो यहाँ से हीट का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, हीट का वैल्यू थोड़ा लैग कर रहा है तो 1/2 1/4 का डिफरेंस मतलब 1/4। ठीक है, ये आ गया डी, डी पार्ट का आंसर 1/4 C² चेक कर लेते हैं, 1/4 C² सही है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो अभी किए हम लोग दोनों नीट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है मतलब उसका कोई सब पार्ट तो पूछा जा ही सकता है, मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस लंबे क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 इज चार्ज टू 24 एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 इज चार्ज टू 12। तो 5 वाला 24 से चार्ज किया गया है तो इसमें कितना चार्ज आएगा, 24 5 = 120। पहले वाले में चार्ज इतना हो गया, दूसरे वाले का 12 × 6 हो जाएगा 72। ठीक है, द फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो दोनों में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, तो सिंपली 1/2 CV² से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट कैपेसिटर में हो जाएगा 1/2, फर्स्ट कैपेसिटर का सी कितना है 5 × V² 24² ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट का तो ये फर्स्ट का दो पार्ट है तो ये दोनों का बताना है हमें। सेकेंड वाले की एनर्जी निकालने के लिए 1/2 उसका सी इंटू वी स्क्वायर ठीक है, 12² है ना, ये लैग कर रहा है थोड़ा, तो बीच बीच में आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, लैग कर रहा है ठीक है, कहीं कहीं स्लो हो जाएगा राइटिंग। हाँ ठीक है, ए पार्ट इतना हो गया, दोनों कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। अब बी पार्ट समझ आएगा, ए पार्ट तो कर लेना। बी पार्ट में द पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड एंड वाइस वर्सा, तो फर्स्ट प्लेट का फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिए। अब फर्स्ट कैपेसिटर मतलब जिसमें 120 था, इसमें 120 है, इसको इसमें -120 होगा ठीक है। मैं कहीं लिखना बोल जाऊँ माइनस वाला, इसका पता है कि है नहीं, उस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कहीं प्लस वाला को ही बताएंगे तो माइनस तो पता चल ही जाएगा। दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए है ना, तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन तो चार्जेस ऑलमोस्ट वही रहेंगे, जस्ट आफ्टर की बात बोल रहे हैं, इससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिचुएशन को ठीक है। और दूसरे वाले का कितना था, 72 था है ना, तो -72 + 72 ठीक है। तो पहला वाला कैपेसिटर का पॉजिटिव को दूसरे वाले नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया एंड वाइस वर्सा, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ये करने के बाद फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, तो अभी तो कभी ना कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आ ही जाएगा ठीक है, अल्टीमेटली हमें पता है बहुत तुरंत ही आ जाता है ऑलमोस्ट, उससे मतलब नहीं कितना देर बाद आ रहा है, कभी ना कभी चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा ठीक है, चार्ज फ्लो होगा कभी ना कभी बंद हो जाएगा है ना। जब चार्ज फ्लो बंद होगा तब तो दोनों, याद रखना दोनों कैपेसिटर यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी कनेक्टेड चीज़ें उनका पोटेंशियल सेम होता है ठीक है, यानी दोनों के अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, जो होना था हो रहा था, ये जो एरो दिया हूँ मैं ये एरो के दौरान चार्ज फ्लो हो रहा था, लेकिन एरो के बाद जब मैं फाइनल ड्रॉ किया हूँ अभी जो फिगर उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, जितना होना था हो गया ठीक है। तो मान लो इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, आपको पॉजिटिव में लिखना है नेगेटिव में लिखना है, जैसे मैंने लिखो मैं दोनों को प्लस में लिख रहा हूँ, +Q1 + Q2 ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, पहले याद रखना ये चीज़ तो आइसोलेटेड है, उधर में वैसे वो भी आइसोलेटेड ही है लेकिन मैं एक से काम हो जाएगा, तो इसका टोटल चार्ज कितना है अभी 120 - 72। और इसी चीज़ का बाद में का चार्ज देखें तब भी वही रहेगा क्योंकि किसी बाहरी दुनिया से तो चार्ज आया नहीं है, जो हुआ आपस में फ्लो हुआ है, और अभी चार्ज कितना है इसका Q1 + Q2 ठीक है, अभी चार्ज है Q1 + Q2। तो दो अननोन एक ही क्वेश्चन है सॉल्व तो होगा नहीं, दो अननोन है, तो एक और चीज़ लिखेंगे Q = CV यूज़ करते ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो अगर Q = CV यूज़ करें तो ये है C1V और ये है C2V ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब V तो दोनों का सेम ही है, V हमें नहीं पता लेकिन C1 C2 पता है, C1 C2 ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक का 5 है देख लो, पहला लाइन में 5 दिया हुआ है, दूसरे का कितना है 6, एक 5 है दूसरा 6 है, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 ठीक है। तो यहाँ से V कितना आ जाएगा,
वी हो जाएगा 48 बाय 11 म्यू माइक्रो में, है ना। ठीक है, सी वन सी टू माइक्रो में था, ठीक है ना। तो इतना डिवाइडेड बाय म्यू वोल्टेज हो जाएगा इतना, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। याद रखना है जो 48 था ये भी माइक्रो में था, तो सॉरी माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 48 बाय 11, ठीक है, इतना वोल्ट। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द कैपेसिटर कितना हो गया, 48 बाय 11 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज। हम लोग का अभी तक बी पार्ट बना नहीं है। बी पार्ट में क्या पूछा गया था, फाइंड द न्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो एक बार बी पता चल गया, क्यू वन क्यू टू निकाल सकते हैं। अब क्यू वन क्यू टू निकालेंगे। क्यू वन है सी वन इंटू वी। सी वन कितना था, सी वन था 5, याद है ना। सी वन 5 था, सी टू 6 था, ठीक है। तो सी वन इंटू वी करो, सी वन इंटू वी, सी वन था 5 इंटू वी, ठीक है। मैं यूनिट्स का उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है यूनिट्स लिखने से थोड़ा, मतलब आपको लिखना चाहिए, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम से कम हो, ठीक है। लेकिन मैं फाइनल यूनिट सही लिखूंगा, है ना। 48 इंटू, अब चेक कर लेना, वही यूनिट्स आएगा 48 बाय 11, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q1 मिल जाएगा, है ना। तो ये Q1 है, वैसे Q2 भी मिल जाएगा। Q2 के लिए क्या करोगे, 6 इंटू C2 इंटू वी करो, Q2 के लिए C2 इंटू वी, ठीक है, C2 इंटू वी। एक सेकेंड में पॉज करके इसको देखता हूँ, स्लो क्यों है। Q2 का वैल्यू C2 इंटू वी, C2 का वैल्यू याद होगा आपको 6 ये था इंटू वी, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा वो माइक्रो कूलम में ही आएगा, है ना। इनको मल्टीप्लाई कर दो, Q1 Q2 मिल जाएगा। अभी तक तो इजी है क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द न्यू चार्जेस हो गया, बी पार्ट हो गया। फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालते हैं, इस फिगर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना है, है ना। इस फिगर में कितना है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालो, इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का निकालो। तो इनिशियल आप देखोगे तो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले का हो जाएगा, पहले वाले में कितना चार्ज है 120, और पहले वाले कैपेसिटेंस कितना था 5, दूसरे वाले कितना चार्ज है 72, दूसरे वाले कैपेसिटेंस कितना है 6। तो 120 और 5 क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू है 120 2c, ठीक है। और दूसरे वाले कितना है, याद रखना साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी तो हमेशा ऐड ही होता है, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी ऐड करेंगे, है ना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पहला केस में उस तरफ हो उस तरफ हो, एनर्जी तो ऐड ही होगा ना। और जो दूसरा कैपेसिटर है यहाँ पे 72 चार्ज वाला, उसमें एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, यानी क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ 6, ठीक है। ये हो गया इनिशियल एनर्जी ऑफ द टू कैपेसिटर सिस्टम। फाइनल एनर्जी ऑफ द टू कैपेसिटर सिस्टम, बहुत तरीका है निकालने का। आपको एक बार वी पता चल गया है तो हाफ सी वी स्क्वायर करके निकाल सकते हो, सबसे आसान तरीका है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सी इक्वेरेंट कितना है, सी इक्वेरेंट की पैरेलल में है, तो सी इक्वेरेंट हो जाएगा सिंपली। अगर किसी को कन्विंस नहीं हुआ पैरेलल में, तो ऐसे भी एनर्जी निकाल सकते हो, हाफ सी वन वी स्क्वायर हाफ सी टू वी स्क्वायर, पहले वाले का एनर्जी ऊपर वाले का एनर्जी हाफ सी वन वी स्क्वायर, दूसरे वाले का हाफ सी टू वी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सी इक्वेरेंट ही तो आ जाएगा यहाँ पे इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब सी वन प्लस सी टू कितना है 11 है, और वी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 48 बाय 11, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल एनर्जी है। लॉस ऑफ एनर्जी पूछा गया है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस हमेशा होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दो, सी पार्ट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, अरे पॉज करके कोशिश तो किया हूँ, कुछ समझा मुझे तो नहीं आया, खाली हम लोग शट डाउन करके रीस्टार्ट कर दिए सिस्टम को, अभी तक तो हैंग नहीं किया है वापस। अब 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 12 वोल्ट, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी एंड वाइस वर्सा, कैलकुलेट द हीट। तो पहले आपके पास 5 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर दिए विद अ बैटरी, जिसका बैटरी का रेटिंग कितना है 12 वोल्ट, तो कितना चार्ज आ जाएगा इसके पास, इसके पास आ जाएगा प्लस 60 और इस प्लेट के पास माइनस 60, ठीक है। अब क्या किए, चार्ज होने के बाद इट इज नॉट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट, तो बैटरी को उल्टा कर दिए, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो चार्जेस फ्लो होंगे, है ना। कितना डिफरेंस है, मतलब कब तक, दिस नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक जब अटेंड करेगा तब सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी अभी भी 12 वोल्ट का ही है, ठीक है, और कैपेसिटर अभी भी 5 माइक्रो फैराड का ही है। तो Q इज इक्वल टू सी वी लगाएंगे तो यहाँ प्लस 60 या माइनस 60, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है लेकिन प्लस 60 माइनस 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, चार्ज फ्लो हो के ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर, कितना हीट डेवलप हुआ होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का तो वही है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया है, ठीक है। यू एफ और यू आई क्या है, सेम है, क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई टू सी करना है आपको, या हाफ सी वी स्क्वायर करना है, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर भी कर सकते हैं, सेम ही आया है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, चार्ज तो अभी भी इतना ही है, ठीक है, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा लैग कर ही रहा है, तो ठीक है, ये दोनों इक्वल है, यू आई और यू एफ। शायद मैंने फाइल बहुत बड़ा बना दी है, ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए एक फाइल में, हो सकता है, अभी तक तो मुझे कॉज समझ में नहीं है। बीच में एक दिन हो रहा था फ्रिक्शन पढ़ाते वक्त और फिर आज हो रहा है, तो यू आई और यू एफ हमें पता है, ठीक है। तो एक बार आपको यू आई और यू एफ पता है और दोनों इक्वल है, तो यानी जो हीट एनर्जी आया है वो मतलब जो भी बैटरी ने वर्क किया, वर्क डन में बैटरी निकालते, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज सप्लाई हुआ होगा देख लो। अगर आप देखोगे तो इसमें चार्ज था माइनस 60 और ये कन्वर्ट होके कितना हो गया प्लस 60, यानी कितना चार्ज सप्लाई किया होगा बैटरी, टोटल 120 चार्ज सप्लाई किया होगा, क्योंकि 120 ऐड करोगे आप माइनस 60 में तभी तो 60 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया, ये वाला बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करना है इसको, 120 और 60 का मतलब 60 और 60 का डिफरेंस, 60 माइनस माइनस 60, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो ये 120, तो चार्ज सप्लाई बाय बैटरी कितना है, ऑफकोर्स सेकेंड बैटरी का वर्क डन, सेकेंड बैटरी वाला निकाल रहे हैं ना, तो चार्ज सप्लाई बाय सेकेंड बैटरी कितना है, फर्स्ट वाला बैटरी को नहीं देख रहे हम, सिर्फ सेकेंड वाले को देख रहे, ठीक है। चार्ज सप्लाई बाय सेकेंड बैटरी कितना है, 120, तो वर्क डन बाय सेकेंड बैटरी कितना हो जाएगा, चार्ज सप्लाइड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, मतलब ई एम एफ तो बैटरी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ई एम एफ, तो 1440 माइक्रो जूल, ये हो गया वर्क डन है बैटरी। अब बैटरी जो वर्क डन किया है वो दो ही एजेंट, दो ही चीज़ में जा सकता है, हमें पता है यहाँ पे तीन ही फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है ऐसे सिस्टम्स में, है ना, एक तो बैटरी में केमिकल एनर्जी, दूसरा हीट एनर्जी आ सकता है यहाँ पे वायर्स में, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ठीक है। लेकिन ये तो जीरो है, तो यानी जो हीट होगा वो वर्क डन में बैटरी के बराबर होगा, यानी 1440 म्यू जूल, यानी मिली जूल में 1.44 मिली जूल। तो ये कैलकुलेशन था बहुत, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 148 का आंसर चेक करते हैं हम लोग, 48 1.44, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था 48th क्वेश्चन, मूविंग ऑन 49th क्वेश्चन। द टू स्क्वायर फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4 है, ऑफ डायमेंशन 20, 20 एंड 10, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगुलर है मतलब क्यूबॉइडल शेप का एक डायलेक्ट्रिक स्लैब बना दो, ठीक है, तो क्यूबॉइड शेप का डायलेक्ट्रिक स्लैब बनाओ। अरे मैं बना क्यों रहा हूँ, तो मिल जाना चाहिए यहाँ से शेप, तो चलो शेप में है क्या, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल नहीं है, चलो ये ले लेते हैं, इससे फायदा होगा, या छोड़ो हम लोग अपना बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूबॉइड अगर बनाए हम लोग, तो ये आपका क्यूबॉइडल शेप्ड डायलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना क्योंकि स्क्वायर प्लेट्स बोला गया, तो स्क्वायर प्लेट्स बनाते हैं, स्क्वायर प्लेट्स के साथ ये, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट का डायमेंशन दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी तीसरा डायमेंशन तो यही बचा हुआ, ये कितना हुआ था 1 मिलीमीटर। तो आपको कैपेसिटेंस पूछा गया है इस सेटअप का, है ना, और बीच में जो डायलेक्ट्रिक है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो इसको अगर हम लोग जैसा यूजुअल डायग्राम बनाते हैं कैपेसिटर का उस शेप का बनाए, तो ये कुछ ऐसा है, ये आपका 20x20 एरिया वाला एक प्लेट, ये आपका 20x20 एरिया वाला दूसरा प्लेट,
और इनके बीच का सेपरेशन है 1 मिलीमीटर, और इसके बीच में डायलेक्ट्रिक भरा गया है जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और क्योंकि डायलेक्ट्रिक फील्ड है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, के से वैल्यू 4, एप्सिलॉन नॉट है 8.85 × 10−12, और एरिया ऑफ द प्लेट कैसे निकालेंगे 20 × 20 क्योंकि स्क्वायर प्लेट्स हैं, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴। तो एप्सिलॉन नॉट ए के हो गया डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है 1 मिलीमीटर, यानी 10⁻³। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 में इफ द अब कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी तो चार्ज सप्लाइड कितना होगा। ठीक है, किसी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे 6 वोल्ट बैटरी से तो चार्ज सप्लाइड कितना होगा, Q = CV। ठीक है, सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू तो ऊपर निकाले होंगे हम लोग, ये जो निकाले यही सी का वैल्यू है आपका। ठीक है, चलो वैल्यू देखना पड़ेगा मुझे, देख लेते हैं कैसे, कैलकुलेट तो नहीं करूँगा मैं। 49 में आंसर दिया हुआ है 1.42 नैनो फैराड, तो ये है 1.42, कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं मैच करेगा तो बताना। 1.42 नैनो फैराड, उसको यहाँ पुट करते हैं, 1.42 नैनो में है ना, इनटू पोटेंशियल कितना है 6, तो ये 6 × 12 1484 85, तो 8.52 नैनो कूलम। ठीक, 50 का ए 8.5 है ना। बी पार्ट में है इंड्यूस चार्जेस ऑन द डायलेक्ट्रिक। अब हमें पता है डायलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं क्यू डैश होता है क्यू 1 − 1/k, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस ऑन द डायलेक्ट्रिक क्यू इंटू 1 − 1/k, क्यू का वैल्यू है 8.52 1 − 1/k, तो इसको कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा इतना नैनो कूलम। ठीक है, सी पार्ट में द नेट चार्ज अपेयरिंग ऑन वन ऑफ द कोटेड सर्फेस। अब नेट चार्ज पूछा गया मतलब क्या, आपको Q और Q डैश दोनों का रिजल्ट बताना है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझो, इसमें Q है, इसमें माइनस क्यू है, और बीच में जो डायलेक्ट्रिक डाल दिए हम लोग, डायलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ डायलेक्ट्रिक में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और नेगेटिव की तरफ डायलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, नेट मतलब इन दोनों का मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन, नेट कितना हो जाएगा Q − Q′। तो Q पता है, यानी ए पार्ट का आंसर और बी पार्ट का आंसर सब्ट्रैक्ट करोगे आपको सी पार्ट का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हो जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 8.52 / 4, तो 2 के आसपास आएगा, चेक भी कर लेते हैं। 50 का सी 2 के आसपास आना चाहिए, 50 का सी में 2.1 है ना, तो 2.1 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सब आप करना, मैं कल लिख दे रहा हूँ। ये था 50। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 51 में, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, चलो। क्वेश्चन नंबर 51 में द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0.5, तो डी का वैल्यू आपको दे दिया है, एंड प्लेट्स एरिया दे दिया है, प्लेट का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 0.4 सेंटीमीटर थिक मेटल प्लेट इज इंसर्टेड इनटू द गैप विथ इट्स फेस पैरेलल टू द फेसेस सो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेटल प्लेट विद इन द गैप एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, सीधा वैल्यू ही निकाल देते हैं। तो ये सपोज आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसका एरिया ए है ना, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी एंड सो ऑन। अब उसके बीच में हम लोग एक मेटल प्लेट डाल दी है जिसका थिकनेस कितना है 0.4, तो बीच में कहाँ पे डाले मैं नहीं बता रहा हूँ, कहीं भी डाल दो, सपोज यहाँ पे इतना को डाले हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे डाले इसका लोकेशन बताने के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। सपोज लेफ्ट वाले प्लेट ऑफ द कैपेसिटर से एक्स इसमें दूर हम लोग मेटल प्लेट को इंसर्ट किए। ठीक है, अब अगर इस पूरे सिस्टम को जो भी डायग्राम दिख रहा है इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे और वो एक्स पे डिपेंड नहीं किया, मतलब अपना काम बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का, शो दैट द कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेटल प्लेट। मेटल प्लेट को कहाँ पे डाल रहे हैं वो बता रहा है एक्स, तो अगर सी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा कैलकुलेशन के बाद, तो अपना पहला काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, हमें पता है ये मेटल है, तो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, और जो हम लोग जिस पार्ट में इंसर्ट करते हैं उसी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, बाकी पार्ट्स में तो वही रहेगा, ई नॉट ही रहेगा, है ना, ये आपको पता है। ठीक है, बाकी पार्ट्स में क्या रहेगा, ई नॉट ही रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो थोड़ा स्लो हो रहा है, एडजस्ट करो, ये ई नॉट है ना।
अब ये एक्स है, इसका थिकनेस मान लो प्लेट का थिकनेस कितना है, टी ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल थिकनेस था डी, डी माइनस टी माइनस एक्स, डी माइनस टी माइनस एक्स, यही हुआ ना, डी माइनस टी माइनस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा राइटिंग कर लेते हैं, डी माइनस टी माइनस एक्स। बस हो तो गया, अगर आप इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ के बीच का कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहता है प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ई नॉट इंटू एक्स, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ई नॉट इंटू एक्स, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट पोटेंशियल में जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो जीरो इंटू टी कर दो, है ना, जीरो इंटू टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और फिर यहाँ से यहाँ का इस क्रॉस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई नॉट इंटू ये वाला चीज़। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा ई नॉट इंटू ये वाली चीज़। थोड़ा लैग कर रहा है, एडजस्ट करना, डी माइनस टी माइनस एक्स, है ना, यही करेंगे। अब अगर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तीन तीनों को ऐड करना होगा, जो मैं तीन नंबर से यहाँ पे लिखा हूँ, ये और ये, इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी, वी का वैल्यू हो जाएगा इन तीनों का सम। तो अब देखो ई नॉट इंटू एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे भी ई नॉट इंटू एक्स आ रहा है नेगेटिव में, यहाँ ई नॉट एक्स पॉजिटिव है, ये तो जीरो है। ठीक है, तो ई नॉट इंटू एक्स कैंसिल हो जा रहा है, आपके क्या बच रहा है अल्टीमेटली, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। वो पहले से ही बोल सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खाली जितने लेंथ में एग्जिस्ट कर रहा है उसका टोटल लेंथ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है वो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का सम है ना, उसको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन में एक्ट कर रहा है उसका लेंथ मिल जाएगा। तो इन दोनों का सम करेंगे फर्स्ट और थर्ड पार्ट का, तो आपको डी माइनस टी मिलेगा। तो डी माइनस टी लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और रिमेनिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन ही होता है ना, क्यू बाय वी। ठीक है, तो क्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम लोग क्यू निकाल सकते हैं, है ना, या क्यू क्यू रहने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू के टर्म्स में लिख देंगे, डिवाइड बाई वी, वी कितना है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, या ई नॉट का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पहले, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वैक्यूम वाले केस में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये तो वैक्यूम वाला केस ही है ना, जहाँ पे फील्ड नहीं है मेटल, वो तो वैक्यूम वाला केस ही है, वैक्यूम है, या एयर मान लो, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वैक्यूम जैसे होता है, ये भी वैक्यूम है। ठीक है, और वैक्यूम में कितना रहता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो उसको पुट कर दो, वी का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बाय ऊपर चला गया, यहाँ डी माइनस टी। ठीक है, अब ये जो क्यू है ऊपर में न्यूमरेटर में क्यू दिख रहा है, न्यूमरेटर में जो क्यू को क्या लिख सकते हो आप, क्यू होता है सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ए, ई नहीं ये, है ना, चार्ज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो अब देखो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जो कैपेसिटेंस आया है क्या है, एक्स का फंक्शन है, ये जो अभी आप वैल्यू देख रहे हो यहाँ नीचे में, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, क्या एक्स पे डिपेंडेंट है, नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और एक्स पे इंडिपेंडेंट है मतलब, अब लो एक्स ही तो बता रहा था लोकेशन ऑफ मेटल, ठीक है, एक्स से पता चल रहा था कि मेटल कितना दूर है, तो एक्स पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और एक्स पे इंडिपेंडेंट है मतलब किसके इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ मेटल, क्योंकि लोकेशन ऑफ मेटल कौन बता रहा था, एक्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ मेटल, या लोकेशन ऑफ सिंपली शॉर्ट में लिख दो तो मैं मेटल। ठीक है, तो ये काम तो बन गया अपना, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, सेकेंड पार्ट है फाइंड इट्स वैल्यू, वैल्यू भी निकाल दिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, कैलकुलेट कर ले, चेक कर लेते हैं, 51 का 51 में वैल्यू दिया हुआ 88 पीको फेराड, तो यानी वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो मुझे याद भी नहीं था न्यूमेरिकल में वैल्यूज है, तो ये वैल्यू पुट करना होगा, उसके बाद आंसर चेक करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ऐसा यूनिट्स में लिखना हमेशा। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को फास्ट कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है उस चीज़ में कि आप यूनिट्स वगैरह में गलती नहीं करते हो,
एरिया ऑफ द प्लेट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है, डी मतलब प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है 0.4, और जो आपने मेटल डाला वो है, उसको टी बोल रहा हूँ मैं, वो है 0.5 और 0.4 है ना। तो यह है 0.4 और जो मेटल का थिकनेस टी है यह है 0.4, मतलब ये है 0.4 और ये टोटल डिस्टेंस है 0.5। ठीक है, ये 0.4 है, थोड़ा लैग कर रहा है थोड़ा सा, और ये 0.5 है। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट। हाँ, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन दिखने का, ये 0.1 हो गया नीचे में, अल्टीमेटली 0.1 मतलब जाके ये सब मिल के 10 की पावर -1। ठीक है, तो 10 की पावर -13, तो 8.85 10 की पावर -13, 8.85 थोड़ा स्लो हुआ है, इंटू 10 की पावर -13। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सी सी कह लो 8.85 -13 फैराड। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं, आंसर पीको में था ना, तो इसको पीको में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -12 के फॉर्म में लिखे तो एक 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो 88.5 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है ना, नहीं एक 10 की पावर तो बढ़ा दिए ना, तो इसको घटाना होगा, 0.88 पीको फैराड आएगा, 0.88 पीको दिया है, तो 10 का पावर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 10 का पावर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे 0.5, ओके सेंटीमीटर था ये, सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये गलती हुई थी, 10 की पावर -2 पर जाके 10 की पावर +2 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा मतलब एक घट दो घटा दो यहाँ से। ठीक है, तो हाँ ये 88.5 पीको हो जाएगा, 88.5 पीको फैराड। ठीक है, चलो ये था 51। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। अ कैपेसिटर स्टोर्स 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ठीक है, तो यू बोल दिया आपको, यू का वैल्यू है 50, नहीं क्यू का वैल्यू बोल दिया, क्यू का वैल्यू 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ डायलेक्ट्रिक, अ चार्ज ऑफ इतना फ्लोस थ्रू द बैटरी, है ना। अब आपको पता है डायलेक्ट्रिक डालने से बाकी और कोई चेंज नहीं आया, डायलेक्ट्रिक आया तो सी बढ़ेगा, और सी बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, तो न्यू चार्ज जो हो जाएगा वो नया इतना आया, पहले से इतना था तो 150, क्योंकि एक्स्ट्रा आया है 100 है ना, तो पहले से 50 था, अब ये डायरेक्ट डालने के बाद एक्स्ट्रा 100 आया है इतना। ठीक है, तो आपसे पूछा डायरेक्टिक कांस्टेंट कितना है, तुम्हें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, पहले वाला सी इंटू वी, दूसरा वाला सी इंटू वी। ठीक है, और हमें पता है डायरेक्ट डालने से जो नया सी आता है, चलो नया सी का वैल्यू निकाल लेते, तो रेशियो आप लोग इन दोनों इक्वेशन का, नीचे वाले इक्वेशन डिवाइडेड ऊपर वाले इक्वेशन, तो c डैश बाय c का वैल्यू आपको मिलेगा 150/50 है ना, तो 150/50 करोगे तो 3:1, थोड़ा स्लो है, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना इस सेक्शन को, ये 3:1, तो c डैश का वैल्यू हो गया 3c। ठीक है, अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस नया वाला कितना होता है, c बाय k होता है ना, न्यू कैपेसिटेंस सॉरी के सी होता है, नया कैपेसिटेंस k टाइम्स c। ठीक है, हर ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, खाली डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए पूरे रीजन में, तो क्या हो जाता है के टाइम्स बढ़ जाता है, तो के का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो 52 में के का वैल्यू 3 है, 52 में के का वैल्यू 3 है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, हैंग हो गया क्या, नहीं 53। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 5 इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 6, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज दिस, तो आपको सी दे दिया है, वी दे दिया है, डी दे दिया है, फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, ये पार्ट तो आसान है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट निकालने के लिए क्यू इज इक्वल टू सी वी यूज करो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सबके सब क्वेश्चन नीट कर सकते, नीट वाले बच्चे कर सकते हैं, सी है 5, वी है 6, 6×5=30 माइक्रो कूलम। ठीक है, सेकेंड पार्ट में फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, या तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट करके करो या V बाय डी करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, V बाय डी, वो यूज़ करना ज़्यादा आसान है इस केस में। ठीक है, तो V का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो बैटरी का है 6 वोल्ट, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3। ठीक है,
इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 300 आ रहा ना, 2 3 3 हज़ार, तो 3 हज़ार ऐसा यूनिट्स मतलब न्यूटन पर कूलम, ठीक है, वोल्ट पर मीटर जो बोलना है बोलो। चेक कर लेते हैं, 30 और 3 3 हज़ार, तो 30 और 3 तो होते हैं ना, 53 में देख लो आंसर, अगर आपको दिख नहीं रहा तो अज्यूम कर देते हैं 53 का आंसर 30 और 3 × 10⁻³। ठीक है, और दो पार्ट बचे हुए इसके। सी पार्ट में अ डायरेक्ट स्लैब ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर डायरेक्ट कॉन्स्टेंट 5 सेंटीमीटर तो गैप टू ऑक्यूपाई द लोअर हाफ ऑफ इट, तो लोअर आपको कल ही फिल किए है ना, अपर आपको नहीं, तो अगर कैपेसिटर ऐसा था पहले तो अब लोअर हाफ फिल हो गया। लोअर हाफ मतलब कैपेसिटर को दो इक्वल पार्ट में आप डैश लाइन से डिवाइड कर दो या इमेजिन कर दो, और लोअर हाफ को डायरेक्ट से फिल कर दिए। ठीक है, ये के आ गया यहाँ पे, है ना। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेकिन मैं वो सब तो बताया नहीं हूँ, या मैं यहाँ पे बताया था फॉर्मूला कैसे आता है वो, है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है समझना। फॉर्मूला तो अब याद कर ही सकते हो लेकिन कैसा है वो दिखाया था। तो इसका कैपेसिटेंस ओरिजिनल वाले का और इसके वाले का चेक करते हैं हम लोग, है ना। इसका तो हो जाएगा, ये देखने ना D/2 है, ये भी D/2 है, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0, ठीक है। या चलो इसको वैसे करते हैं, सीरीज पैरेलल वाले केस से ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, मैं उस मेथड से दिखाता हूँ, डिराइव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं सीरीज पैरेलल वाले मेथड से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो आपको दिख रहे हैं ऊपर और नीचे वाला, है ना, मतलब एक ही कैपेसिटर है लेकिन उसको मैं दो पार्ट में यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, इमेजिन करो बटा हुआ है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में देख रहे हैं हम लोग, है ना। पॉइंट बताना जरूरी है तभी आप सीरीज पैरेलल और सब बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पूरे का कैपेसिटेंस सी है ना। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट का देखूँ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2 नहीं 2C, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 2C, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में कितना होता है, सीरीज में अगर इक्वल कैपेसिटर्स होते हैं तो उनका हाफ हो जाता है ना इक्वेलेंट, तो 2C और 2C का इक्वेलेंट कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं आया, तो ऊपर वाला अभी भी 2C रहेगा, समझ में आया ना। वैसे ही क्यों डिवाइड किए थे, क्योंकि नीचे वाले में चेंज आया था इसलिए ऊपर और नीचे में कैपेसिटर में डिवाइड किए, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, इस पार्ट का हो जाएगा के आ गया, तो के टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो K × 2C यानी 2KC, ठीक है, समझ में आई बात। तो न्यू कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, चेक कर लो आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में इसका नया कैपेसिटेंस, अगर मैं C- बोल रहा हूँ तो याद रखना सीरीज में जब भी चीज़ें रहती है तो C1 C2 / C1 + C2 यही करते हैं ना, C1 C2 / C1 + C2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो 2C × 2KC का प्रोडक्ट करें अगर 2C × 2KC, ठीक है, तो हो जाएगा 4C² K डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, 2C + 2KC का सम करेंगे तो कितना आएगा, 2C + 2KC का सम करेंगे तो 2C कॉमन हो जाएगा, है ना। मैं इतना जल्दी जल्दी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लैग कर रहा है, और इससे पहले बोल दे रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2C 1 + K। ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो मुझे प्रॉब्लम का जड़ समझ में नहीं आया, ठीक है, इनफ डेटा पॉइंट्स नहीं अपने पास इसलिए, मतलब इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है जड़ समझने की। तो यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ये 4KC, सी से सी कट गया तो 4KC डिवाइडेड बाय 2 1 + K, ठीक है, 2 1 + K, 4KC डिवाइडेड बाय 2 1 + K, 2 1 + K, ठीक है, लिख जाओ भाई, ये स्लो है 1 सेकेंड, ठीक है। तो यह नया कैपेसिटर पता चल गया हमें, पूछा क्या गया था, डायरेक्ट स्लैब ऑफ थिकनेस बोल दिया था, 5 बोल दिया था, तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन। तो इनिशियल वाले का कैपेसिटी कितना है, 5 है, तो नए वाले कितना हो जाएगा, आपको कितना का डायरेक्ट डाला गया है, डायरेक्ट डाला गया है 5 का, तो इनिशियल ये सी का वैल्यू है और ये के का वैल्यू है, ठीक है, सी और के तो दोनों 5 है, तो दोनों का वैल्यू 5 5 यहाँ पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा, तो 4 × 5 × 5, के भी 5 है सी भी 5 है, ठीक है, तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 1 + 5 यानी 6 6 × 12, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा लिखने का वो नहीं है अभी, लैग कर रहा है ना, 4 3 12, तो 25 / 3, तो आंसर चेक कर लेते हैं,
ताकि पता चल जाए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कि नहीं। 53 का 25/3, हाँ तो कोई 8.3 और 53 का सी 8.3, ठीक है। 25/3 मतलब 8/3, तो ये सही आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट में हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा नया, ठीक है नया चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। तो उसके लिए डी पार्ट निकालने के लिए अब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर दो, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। बैटरी तो हमेशा कनेक्टेड है ध्यान देना, ठीक है। तो सी डैश और सी का डिफरेंस माइनस वी, क्योंकि फाइनल चार्ज हो जाएगा सी डैश वी, इनिशियल चार्ज हो जाएगा सी वी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब सी डैश का वैल्यू आपको पता है, सी डैश का वैल्यू अभी आप निकाले, तो सी डैश कितना 8.3। बैटरी कितना वोल्टेज का है, बैटरी है आपका 6 वोल्ट का, तो वी का वैल्यू 6 है ना, वी का वैल्यू 6, और इनिशियल कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ था 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। ये था डी पार्ट, आगे बढ़ते हैं। 7:54, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 100 cm² एंड प्लेट सेपरेशन 1 cm, अ ग्लास प्लेट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 6 एंड थिकनेस 6 mm एंड एन एबोनॉइड प्लेट आर इंसर्टेड वन ओवर द अदर टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना था, 1 था, और यहाँ पे 1 cm था, मतलब 10 mm था, यानी प्लेट्स के बीच का ये जो 10 mm था, ठीक है। लेकिन अब इस 10 mm वाला रीजन में 6 mm का क्या आ गया, ग्लास प्लेट आ गया, ग्लास प्लेट 6 mm का है, ठीक है। और फिर एबोनॉइड प्लेट भी आया है फिर नहीं एक साथ ही 10 mm 4 mm का, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके ऐसा कर दिए, है ना, एक पार्ट में ग्लास भर दिए, एक पार्ट में एबोनॉइड भर दिए, 6 और 4 का रेशियो, ठीक है। 4 mm में क्या भरे हैं, 4 mm में एबोनॉइड भरे हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं एबोनॉइड कहाँ भरे, एबोनॉइड का केव इंपॉर्टेंट है, एबोनॉइड का कितना डायरेक्टिक कॉन्स्टेंट 4, ठीक है। तो ये एबोनाइट है और ये ऊपर में क्या था, ऊपर में ग्लास है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख दिया डेटा, क्योंकि लिखने में वो लैग आ रहा था, इसलिए पहले लिख लिया, ठीक है, समझा देता हूँ। तो आपको अगर इस कैपेसिटेंस का यहाँ पे कुछ भरा हुआ नहीं था, यहाँ वैक्यूम था, है ना, और यहाँ पे हम लोग भर दिए इसको किसी अलग अलग मटेरियल से, ठीक है, सेम कैपेसिटर के प्लेट्स को भर दिए, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि जिस पार्ट को एबोनाइट से भरा गया उसका कैपेसिटेंस C1 और जिस पार्ट को ग्लास से भरा गया उसका कैपेसिटेंस C2 है। तो ऑफकोर्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में C1 C2 किस में है, सीरीज में एक के बाद एक है, ठीक है। तो 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, है ना। तो 1/C1 + 1/C2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कई वैल्यूज पुट करना है। अब देखो C1 C2 कैसे निकालेंगे, C1 का वैल्यू क्या होता है, εo A/D, ठीक है। अब C1 के लिए एरिया तो सेम है, याद रखना सबके लिए एरिया सेम है। एरिया किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये एरिया होता है जो सबके लिए सेम है, ठीक है। चाहे C1 देखो या C2 देखो, सबके लिए एरिया क्या है, सेम है, है ना। तो εo A/D और C1 के लिए डिस्टेंस कितना है, 6 mm, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिक कांस्टेंट भी तो K से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे C2 के लिए K से मल्टीप्लाई करो पहले, εo A, उसका भी एरिया सेम ही है, डिवाइडेड बाय डी, डी कितना है डिस्टेंस बिटवीन ये, तो C1 C2 पता है आपको, उसका इन्वर्स कर लो और ऐड कर दो तो आपको सी इक्वरेंट मिल जाएगा, इससे आपको सी डैश मिल जाएगा, यही तो पूछा गया है। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है, है ना, बस हो गया। अब खाली ध्यान देना कि एरिया जो है, ये जो एरिया आपको दिया हुआ 100 cm² है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एरिया की वैल्यू 100 cm², सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ m², ठीक है। और जो 6 mm है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तब वो मीटर में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे 4 को भी कन्वर्ट कर लेना, बाकी सब वैल्यूज पुट कर लो, सी डैश मिल जाएगा, वही चाहिए था हमें, है ना। मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इस लेक्चर के लिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 400 cm² एंड
सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 मिलीमीटर इज़ कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, आपको एरिया वगैरह डिस्टेंस वगैरह दे दिया, मतलब ज्योमेट्री वाला पार्ट बता दिया है, और कितने बैटरी से कितने पावर सप्लाई किया, कितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया वो बता दिए गए। अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 0.5 मिलीमीटर एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 इज इंसर्टेड इन टू द गैप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये 1 मिलीमीटर का था, एक्चुअल में आपके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर था, लेकिन डायलेक्ट्रिक को कविथ जो है 0.5, यानी डायलेक्ट्रिक पूरा स्पेस को फिल नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कहीं भी आप डाल सकते हो, सपोज मैं इस हाफ में डाल दे रहा हूँ, बीच में भी डाल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना उधर पहले, डायलेक्ट्रिक को कहाँ पर रख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सपोज यहाँ पर डाल दिए, डायलेक्ट्रिक एग्जैक्टली हाफ का है ना, तो इसका कैपेसिटेंस अगर सपोज विदाउट एनी डायलेक्ट्रिक बोलते तो इसका कैपेसिटेंस इस का कैपेसिटेंस सी नॉट है, तो इसको अगर इमेजिन करें दो इक्वल हाफ में, तो दोनों क्यों होंगे 2C0, क्योंकि टू सी नॉट सीरीज में मिलेंगे तब जाके सी नॉट बनेगा। ठीक है, तो ये तो वही का वही रहेगा, क्योंकि इसमें अभी भी वैक्यूम ही है ऊपर वाले पार्ट में। नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2KC0। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अभी ये दोनों सीरीज में है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए पहले सी इक्वेलेंट निकालो नया वाला, तो उसके लिए C1C2 / C1+C2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4C0² K / इन दोनों का सम 2C0K+1। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो C0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ रहा है 4K / 2K+1 C0। ठीक है, अब K का वैल्यू कितना है आपको दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो ये ऊपर हो जाएगा 20, नीचे भी K का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 6 × 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 5 जा 4 3 जा। ठीक है, तो आपका C- का वैल्यू क्या हो गया, ओरिजिनल कैपेसिटेंस का 5/3 टाइम्स हो गया। ठीक है, ओरिजिनल का जो भी था, जो नया कैपेसिटेंस यहाँ मिला है वो 5/3 टाइम्स ओरिजिनल है, 5/3 टाइम्स ओरिजिनल। ठीक है, तो आपको बोला गया इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब बैटरी तो हमेशा कनेक्टेड है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, Q² / 2C यूज़ करोगे तो Q भी चेंज हो रहा होगा, C भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन इसको यूज़ करेंगे तो V तो फिक्स है ना, तो U इतना है, तो डेल्टा U निकालने के लिए हाफ, V में तो कोई चेंज नहीं है तो V का कोई डेल्टा नहीं आएगा, खाली डेल्टा C इंटू V² ठीक है, और C में कितना चेंज आया है, फाइनल C का वैल्यू 5/3 C0, फाइनल C कितना है 5/3 C0, और इनिशियल C कितना था C0। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/3, 5/3 - 1 कितना हो जाएगा 2/3, तो 1/3, 2/3 × ½ हो जाएगा 1/3, तो आपका चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतना है। ठीक है, देखेंगे इंक्रीज की डिग्री से पता चल जाएगा, चेंज अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा, डिग्री आएगा तो डिक्रीज होगा। अब सी नॉट का वैल्यू कितना होता है, ε0 A/d। ठीक है, एरिया आपको दिया हुआ है 400 और डी कितना दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दो, और वी का वैल्यू 100 दिया हुआ है, ऑफकोर्स ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आपका डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा, मतलब इंक्रीज हुआ है, इसी का वैल्यू बताना है आपको। ए पार्ट यही है ना, बी पार्ट में इफ द पावर सप्लाई इज नॉट डिसकनेक्टेड एंड द डायरेक्टिक स्लैब इज टेकन आउट, फाइंड द फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी। अब पावर स्लैब को हटा दिया, पावर सप्लाई को यानी बैटरी को हटा दिया गया, और फिर डायरेक्टिक स्लैब को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, बैटरी हटा के बाहर निकाला गया, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या किया हम लोग, बैटरी को हटा दिए। ठीक है, बैटरी को हटाए तो मान लो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे -Q है, डायरेक्ट्री तो अभी भी है। ठीक है, और फिर डायरेक्ट्री को भी हटा दिए, अब डायरेक्ट को हटाएंगे तो 4 चेंज हो जाएगा, 400 चेंज होना ही है। ठीक है, इसका नाम Q1 रख देते हैं डैश, तो पिछला वाला स्टेट को बोलना चाह रहे थे इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, बस इसलिए है ना। तो लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा, वही तो मैं बोलना चाहता था, चार्ज तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चार्ज क्या हो गया, फिक्स हो गया, चाहे आप इसको हटाओ या रहने दो, क्योंकि बैटरी से हटा चुके हैं ना, तो इसको हटा देंगे तो चार्ज फिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपसे पूछा गया है फाइंड द फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ का एनर्जी कितना होगा,
यहाँ पे याद रखना कैपेसिटेंस सी डैश था, तो यहाँ पे एनर्जी था हाफ सी डैश वी स्क्वायर, ठीक है। या अगर आप ठीक है ऐसे रहना तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पहले, और यहाँ वाला एनर्जी क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्यू स्क्वायर बाई टू सी यूज़ करेंगे, क्योंकि वी चेंज होने वाला है ना। ऑफकोर्स यहाँ का भी और यहाँ का भी, ए फिगर का भी और ए फिगर का भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई टू सी यूज़ करेंगे, और इस क्यू में इसी को यूज़ करेंगे, और ए क्यू का वैल्यू कितना होगा, सी डैश वी। ए क्यू का वैल्यू कितना होगा, सी डैश वी, ठीक है। तो ए क्यू का वैल्यू सी डैश वी यूज़ किए डिवाइडेड बाय टू सी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो फर्स्ट केस ये आपका यू डैश था, इसको यू वन बोल दे रहे, ठीक है। तो यू वन का वैल्यू इतना है ना, सी डैश स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी, ठीक है। तो आपसे पूछा है इंक्रीज ना, तो इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, या इंक्रीज पूछा तो सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्दर इंक्रीज, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, देखो सी डैश वी स्क्वायर बाई टू तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, दोनों में प्रेजेंट है ये चीज़, चेक कर लेना। सी डैश ले लिए, वी स्क्वायर ले लिया, तो एक सी डैश बचा हुआ है डिवाइडेड बाई सी बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर पूरा का पूरा ले लिया, सी डैश वी स्क्वायर तो माइनस वन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये फिर से स्लो हो गया यार, सी डैश वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, चेक करना होगा इस लेक्चर के बाद क्या प्रॉब्लम है, शायद बहुत देर से लैपटॉप चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, हीटिंग का प्रॉब्लम। सी डैश माइनस सी, ठीक है। तो रेशियो निकालते हैं, ज़्यादा आसान यही होगा कि रेशियो निकाल लें, ठीक है। तो चलो इसको बंद करो, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा नया वाला, ये जो न्यू कैपेसिटेंस है यहाँ पे, ये तो सी नॉट ही रहेगा क्योंकि कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नॉट ही होगा, ठीक है। तो सी नॉट ही लिखना है आपको, जो सी डैश है एक्चुअली में क्या है, सी नॉट है, सी डैश नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सी डैश तो वो वाला था, मिट जाओ भैया, ये भी मिट गया, हाँ ठीक है। चलो सी डैश तो यहाँ वाला था ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे जिसको सी लिख रहा था वो सी नॉट हो जाएगा, है ना, ठीक है, सही है, सब सही है अभी तक। चलो कैलकुलेट करते हैं, सी डैश वी स्क्वायर बाय टू, और ये अब सी डैश का वैल्यू, सी डैश बाय सी, सी डैश का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाले थे, सी डैश कितना था, 5/3, 5/3 सी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट हो जाएगा, 5/3 -1, ठीक है, इज इक्वल टू सी डैश, याद रखना सी डैश है 5/3 सी नॉट, है ना। तो इसका वैल्यू पुटी कर देते हैं, 5/3 सी नॉट वी स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे 2/3 आएगा, ठीक है। तो 2 2 कैंसल, तो ये 5/9 सी नॉट वी स्क्वायर आएगा, 5/9 सी नॉट वी स्क्वायर, ठीक है। बस सी नॉट का वैल्यू पता है, वी का वैल्यू पता है, पुट कर दो। अगर सी नॉट आपको याद नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी नॉट क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वो पुट करो, वी पता है आपको, है ना। वी जो बैटरी लगाए थे वही बैटरी का वी है ना, वी कितना है, जो बैटरी लगाए थे शुरू में, ठीक है, वो कितना था, 100 वोल्ट, तो वी 100 वोल्ट है, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, ठीक है। या प्रीवियस जो आंसर आया था उससे रेशियो ले लो, है ना, यहाँ पे जो आंसर आया था उससे अगर रेशियो लोगे तब भी बहुत सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। ये था बी पार्ट, सी पार्ट भी है इसका, एक लास्ट पार्ट इस लेक्चर के लिए। सी पार्ट में क्या बोला गया, वाई डज द पावर सप्लाई इज नॉट डिस्कनेक्टेड, हाँ ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए पार्ट में भी डेल्टा यू पॉजिटिव आया, यानी एनर्जी इंक्रीज हुआ था, ठीक है। बी पार्ट में भी डेल्टा यू जो निकाले हम लोग, डेल्टा यू वन बोलते हैं, या डेल्टा यू कुछ भी बोल रहे हैं, सेकेंड पार्ट का डेल्टा यू, बी पार्ट का डेल्टा यू, ये भी आप देख रहे हो, ये भी पॉजिटिव ही आया है, ये भी जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट स्लैब आप डाले हो या निकाले हो, दोनों केस में एनर्जी इंक्रीज हुआ है, इसका कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए शुरू से देखते हैं, तो शुरू में एक कैपेसिटर चुपचाप बैठा हुआ था विद ए बैटरी, एकदम इनिशियल केस, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसमें कुछ चार्ज होगा, है ना, मान लो चार्ज था क्यू नॉट और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, ठीक है। फिर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, है ना, थोड़ा और बियर कर लो, लास्ट मोमेंट है, थोड़ा हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, थोड़ा नहीं मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैसा दिखा, फिर ये कुछ ऐसा दिखा,
है ना। सपोज इस हाफ में डायरेक्टली कहीं भी किसी भी हाफ में कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, तो पहले कैपेसिटेंस सी नॉट था, अब कैपेसिटेंस बढ़ गया। ठीक है, वी कांस्टेंट है, और जैसे यहाँ यहाँ के कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो वी कांस्टेंट, ठीक है, वी कांस्टेंट है, वी को कांस्टेंट रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, सी बढ़ा दिया। वी तो सेम है दोनों केस में, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल क्या सेम है, लेकिन सी बढ़ गया है ना। तो हाफ सी वी स्क्वायर अगर फॉर्मूला यूज करें, तो हाफ सी वी स्क्वायर अगर यूज करेंगे तो वी कांस्टेंट है, सी बढ़ गया। 1 सेकेंड, पानी बह रहा है, पानी बह रहा था उसे बंद करने गया था। ठीक है, वापस आ गया, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर यूज करते हुए। ठीक है, तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर दोनों केस में सेम है, हाफ दोनों केस में सेम है, सी बढ़ रहा है, सी बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किए थे है ना, अब डायलेक्ट्रिक रिमूव किए, लेकिन बैटरी भी रिमूव की है। ठीक है, डायलेक्ट्रिक बाद में रिमूव किए, बैटरी पहले यूज किया है ना, तो बैटरी रिमूव्ड, डायलेक्ट्रिक ऑल्सो रिमूव्ड। तो जैसे ही बैटरी रिमूव करेंगे हम लोग, चार्ज तो फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना एक्स्ट्रा चार्ज था, इससे ही बड़ा चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, क्यू डैश जो है बड़ा है ना, क्योंकि वी सेम है दोनों केस में और सी बढ़ गया है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी से देखो क्यू भी बढ़ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ चार्ज है, चार्ज तो वही रहेगा। ठीक है, और डायलेक्ट्रिक भी हटा दिए, तो अब ध्यान दो कि इन दोनों केसेस को कंपेयर करें तो क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। ठीक है, क्यू कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए एनर्जी का, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है ना, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी अगर यूज करें तो एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पहला दो केस में कंपेयर किया तो वी कॉन्स्टेंट है, इसलिए हाफ सी वी स्क्वायर यूज किए, दूसरे केस में क्यू कॉन्स्टेंट है तो क्यू वाला यूज करें। ठीक है, तो क्योंकि दोनों केस में क्यू सेम है ना, तो हम लोग बोलेंगे यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, और कैपेसिटेंस घट गया है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, 5/3 से सी नॉट हो गया ना, 1 सी नॉट हो गया, तो 5/3 सी नॉट से 1 सी नॉट हो गया, मतलब कैपेसिटेंस घटा है, कैपेसिटेंस घटा है तो फिर से एनर्जी बढ़ा है, जिसका सी कम उसका यू ज़्यादा। ठीक है, तो सी यहाँ पे घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, सी डिक्रीज हो रहा है, सी डिक्रीज हो रहा है मतलब यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले केस में क्या होगा, सी बढ़ गया था, वी कॉन्स्टेंट था, इसलिए हाफ सी वी स्क्वायर से सी बढ़ा है, वी कॉन्स्टेंट है तो एनर्जी बढ़ेगा। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने के लिए आप देखोगे तो आपका क्या कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी फॉर्मूला यूज करेंगे और सी बढ़ रहा है, चेंज जो लाया उसके कारण क्या हो गया, डायलेक्ट्रिक स्लैब हटा है तो सी क्या हो गया, घट रहा है, सॉरी, तो सी घट रहा है तो सी डिनोमीटर में दिख रहा है तो यू बढ़ेगा। ठीक है, ऑफकोर्स सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने इसको मत यूज करना, कर सकते हो लेकिन ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि सी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ में सी भी देखो चेंज हुआ है और वी भी चेंज हुआ है, कि वी यहाँ पे वी कुछ और रहेगा है ना। चलो, आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हो। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।